नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। सहरसा सदर थाना के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर आरके सिंह के इकलौते बेटे अजनेश राकेश ने IIT एडवांस परीक्षा में 858 रैंक लाकर माता पिता को गौरव महसूस कराया है। इसी को लेकर बैंकुट गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। देखिए, सहरसा सदर थाना के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर आरके सिंह बंगाली टोला लहरिया सराय निवासी के इकलौते बेटे अजनेश राकेश ने IIT एडवांस परीक्षा में 858 रैंक लाकर जहां अपने माता पिता को गौरवान्वित किया, वहीं उनके गांव समस्तीपुर जिले के बारिश नगर प्रखंड के कृष्णपुर बैकुंठ गांव में भी खुशी की लहर दौड़ गई। वे कमरे में बंद 14 से 15 घंटे सेल्फ स्टडी करते रहे, जिसका परिणाम काफी सुखद निकला। वहीं उन्होंने बताया कि ननिहाल से जुड़े होने के कारण दरभंगा से काफी लगाव है। मेरे नाना जी स्वर्गीय राजकुमार सिंह रिटायर्ड जज थे, जिनका मकान किला घाट तरानी है। बता दे कि मेरा नाती एक दिन IAS बनेगा, उसी को आधार मानकर मैं मेहनत और लगन से नाना जी का सपना पूरा करना चाहता हूँ। वही मम्मी संगीता सिंह, बहन रिद्धिमा सिंह और परिवार के लोग भी काफी खुशी जाहिर कर इस कामयाबी को बच्चे की मेहनत और लगन मान रहे हैं और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। मैथ्स में क्योंकि तीनों सब्जेक्ट होता है तो तीनों को लेकर चलना पड़ता है साथ में, तो तीनों के लिए मेहनत करना पड़ता है, बराबर का समय देना पड़ता है तीनों सब्जेक्ट। अपने फैमिली की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला? फैमिली की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट था, पापा की तरफ से, मम्मी की तरफ से, पूरा फैमिली सपोर्ट था। कभी भी प्रेशर नहीं था हम पे, इतना रैंक लाना है, ऐसा करना है, तुमको जो अच्छा लगता है वो करना है, कोई प्रेशर नहीं है, जो इच्छा है वो करना है। आपके नाना जी से सुने हैं आप काफ़ी प्रभावित रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? नाना जी मेरे बहुत मानते थे हमको और उनसे काफ़ी हम प्रभावित रहे हैं, और नाना जी बचपन से ही उनका था कि हम आगे चल के अच्छा करें और उनके नाम को और आगे बढ़ाए, तो उस लक्ष्य पे हम चल रहे हैं कि उनके नाम को और आगे बढ़ाया जाए। उनका नाम क्या था? उनका नाम राजकुमार सिंह था और रिटायर्ड जज रहे हैं यहाँ से। अभी पापा आपके आगे के फ्यूचर के लिए क्या कुछ आइडिया दे रहे हैं या कुछ? हाँ, पापा सभी घर वाले या पापा मम्मी सब यही बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिस विषय में तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट है उसी तरफ जाने के लिए, और जो भी करना है आगे अपना एकदम रिलैक्स होकर करो, कुछ भी टेंशन वाला बात नहीं। तो आप आगे का क्या प्रोग्राम बना रहे हैं? आगे हमको IIT कानपुर और IIT खड़गपुर दोनों में से कहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल लेंगे, आगे चल के इसी में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में। कितना रैंक लाया? आपका रैंक क्या था? मेरा रैंक 858 था, ऑल इंडिया रैंक गुवाहाटी में। वो जैसा चाहता था और हम लोग चाहते थे IIT करें, उस सपने को वो पूरा किया। आगे का इसके फ्यूचर के बारे में आप लोग कोई सपना या प्रोग्राम? ऐसे तो कोई प्रेशर नहीं है कि तुम क्या करो आगे, IIT करने के बाद इच्छा है UPSC करे, अपने नाना इसके जो नाना की इच्छा थी कि UPSC करे IAS करने के लिए, इसको पूरा करें। आपका शुभ नाम? संगीता सिंह। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।